कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, पूरे देश में बदलाव की बयार बह रही है। उन्होंने एनडीए के 400 पार के नारे को नकारते हुए कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार हो गया है। दिग्विजय सिंह ने रायबरेली में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का किया समर्थन। राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की ओर से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बताया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस जनों की जनभावना है। इंडिया गठबंधन की जीत के बाद सभी दल बैठकर पीएम का फैसला करेंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पीएम मोदी इन मुद्दों पर बात तक नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनता से किया अपना वादा कोई भी पूरा नहीं किया है। इसको लेकर लोगों में इस बात की सुगबुगाहट है कि एनडीए की सरकार इस बार शायद नहीं बनेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी तय हो जाएगा। जिस तरह से 2004 में यूपी में शामिल दलों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना था, उसी तर्ज पर इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री पद का भी चयन कर लिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। पीएम मोदी द्वारा हिंदू और मुसलमान न करने के बयान पर कहा कि पीएम मोदी का ये बयान हास्यपद है। उन्होंने जीवन में हिंदू मुसलमान करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा है हिंदू मुसलमान को बांटकर इस देश को राज करना। हम लोग अगर बहुमत मिलता है तो तय करेंगे। एक आखिरी सवाल यह है कि केजरीवाल जी लगातार कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, यही वजह से चार सुबह भाई अमित शाह जी को बनाना है, किसको नहीं बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जी जाने, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, योगी जी को हटाने की भी बातें चल रही हैं कि 3 महीने बाद जब इलेक्शन खत्म होगा तो 3 महीने बाद। देखो, योगी जी की पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया की हो। हटाना मुश्किल होगा बीजेपी, मुझे लगता है, क्योंकि मूल बात यह है कि महंत आदित्यनाथ जी कभी भाजपा के मेंबर नहीं रहे हैं, उनकी अलग से पार्टी चलती थी। एक सवाल आपने ये कहा उठाया कि मोदी और मोदी परिवार और आरएसएस में फर्क है, आपको नहीं लगता? संघ परिवार और मोदी परिवार में फर्क नहीं है क्या? मोदी परिवार भ्रष्टाचारियों का एक परिवार है। संघ के बारे में हम नहीं कह सकते ये। संघ कैसे देखते हैं संघ को आप? संघ को विचारधारा से मैं उसके विपरीत हूँ, मैं उनके खिलाफ हूँ, क्योंकि संघ को एक तो रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उनको रजिस्टर्ड संस्था होना चाहिए, उनका कोई अकाउंट नहीं है इसलिए। लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी विचारधारा, अपने सोच पर अडिग हैं और ईमानदारी में भी वो मोदी परिवार से कहीं बेहतर है। अच्छा, भाजपा का कहना है कि गठबंधन जो है गुमराह कर रहा है कहीं ना कहीं जनता को, और क्या कहेंगे वो? इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो क्या ईवीएम से अब अगले चुनाव होंगे बैलेट वाला? ये अगली सरकार तय करेगी। यूपी न्यूज 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।